भिवंडी में ये द पॉलीमैथ स्कूल करके है और इन लोगों बोला कि ये दो स्कूल है, इनमें आप लोग जो एडमिशन लेना चाहे जो एडमिशन ले लीजिए, आप लोगों को यहाँ एडमिशन मिल जाएगी और हम ये सीट अभी खाली है, हमने बात किया और हम हमारा स्कूल बंद कर रहे हैं। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हम लोग फाइनेंशियल लॉस में है, जबकि हमारी 1 से 1.5 लाख रुपए यहाँ पे फीस है हर बच्चे की और 250 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही चलता है, वो ट्रस्ट के अंडर में होता है, पर यहाँ पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परेशानी ये है कि लॉसेस हो रहे हैं। अभी जो लॉसेस होते हैं वो लॉस का जो गैप है वो कहाँ से आएगा? नो नो, यू आर सेटिंग अस टू ट्रैप इनटू द हेल फॉर माय किड्स। पढ़ाने के बाद भी इन्होंने हम लोगों को ये बोला कि हमको 200 के 200 स्टूडेंट का पैसा आना चाहिए, सब रहने चाहिए। अब जिनको नहीं पढ़वाएगा या जिनको ऑलरेडी बाहर जाना तो जान वो जाएंगे ही। मतलब अगर आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन से अगर आप जाते हैं तो स्कूल को डेढ़ साल पहले 18 महीने पहले बोलना पड़ता है कि हम बंद कर रहे हैं और आपने अलग सडन बोल कर। नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी रिक्वायर्ड नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स हम फॉलो करेंगे। तो वो ना उसको लॉ परमिशन देता है ना हम भी माइंड सेटअप हो रहे पा रहे। आपने लॉस खाया है, सब चीज़ को हम एग्री है। बच्चे अभी भी फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल के लिए हम लोग, आपके एजुकेशन के लिए भी हम लोग एग्री हैं, लेकिन जो आपने जो डिसीजन लिया 7 साल से आप सफ़र कर रहे हो, तो आपको लास्ट ईयर हमको बताना था कि नेक्स्ट ईयर से ये बंद हो गया। स्कूल में हमारे 200 से 250 बच्चे पढ़ते हैं और ये स्कूल ने अचानक से इस साल स्कूल बंद कर दिया है। इसके नंबर हैं 240, तो इतने कम नंबर में इस तरीके का एजुकेशन देना बहुत मुश्किल रहा है। मैनेजमेंट ने 8 साल बहुत कोशिश की। अब हमारे पास समस्या है कि यहाँ आईजी बोर्ड का स्कूल कोई नियर नहीं है। अब इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, इनके एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो बहुत बड़े कि हम लाइफ चेंजिंग स्कूल है, नए प्रोजेक्ट लाए हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका ये है, घूम घूम के एडवर्टाइज़ किए चारों भिवंडी में, वो सब देख के सब जगह से पेरेंट्स यहाँ आए कि चलो अच्छा स्कूल है, अच्छा एजुकेशन मिलेगा हमारे बच्चे। हमारा भी सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि बच्चों का एजुकेशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हमने भी बच्चों को स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हमने आसपास के स्कूलों में बात की। जबकि हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि कोई भी स्कूल बंद करना है तो 18 महीने का नोटिस पीरियड पेरेंट्स को देना पड़ता है और इन्होंने कोई भी हमको लीगल नोटिस नहीं दिया है। प्रेसिडेंसी से उठा के हमने यहाँ पे लाया है, एनईएस से निकाल के यहाँ पे लाया है, हर साल हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे भेजे हैं, नहीं हो पाया ना मैडम, नहीं किया, वो आपका फेलियर है, हम क्यों हमारे बच्चे क्यों लॉस करें। फीस 84,000 साल का, तो सब पेरेंट्स ने डिसाइड किया अगर स्कूल लॉस हो रहा है तो 10% 20% हम लोग बढ़ा देते हैं, जो भी 1,25,000 तक 1,20,000 तक कर देते हैं। फिर भी हम लोग चेक भी जमा किए, 74 लोग बचाते हैं सर का, तो भी ये लोग एग्री नहीं हुए। और अभी हमको ये गवर्नमेंट से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से आशा है कि हमें यहाँ पे न्याय मिलेगा। Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available, the only steam press facility in Bhiwandi with premium packaging. Organized app based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus articles processed. At Alight Auto Service, HPCL dealer, Old Agra Road, near Baghi Firdaus Masjid, Bhiwandi. Hello friends, I am Firoz Mehman. Dawai Zinaab Sabhi ka swagat hai. आज हम खड़े हैं भिवंडी अंजूर फाटा में पॉलीमैथ स्कूल के पास में, पॉलीमैथ स्कूल के बाहर। पॉलीमैथ स्कूल ये भिवंडी के अंदर एक आईजीएससी बोर्ड का एक स्कूल है, एकमात्र स्कूल ये भिवंडी सिटी में था।
और अब ये बंद होने की कगार पे है। और इस वजह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए और इनकी मांग है कि स्कूल बंद ना हो। स्कूल वालों ने अचानक से मतलब एक इमीडिएट नोटिस देकर स्कूल बंद करने का फैसला किया है। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि मार्च में ही 7 मार्च को इनका नोटिफिकेशन आया है कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं अगले मतलब नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से। और स्कूल का जो रीज़न है बंद करने का वो ये है कि स्कूल लॉस में चल रहा है, जबकि स्कूल जो होता है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है और इस वजह से जो है यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का सवाल नहीं आता। लेकिन अब क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से प्राइवेट स्कूल लोगों की हमेशा जो मनमानी चलती है, तो यहाँ पे एक मनमानी हमें नज़र आ रही है कि 200 बच्चों का फ्यूचर जो है इन्होंने यहाँ पे स्टेक पे लगा दिया है और अब ये बंद करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं स्कूल के, उन्होंने उनका कहना है कि ये स्कूल बंद ना होना, इसके लिए बंद ना होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ लीगल एक्शंस भी लिया है, जो GR है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो उसके थ्रू यहाँ पे नोटिस भी भेजा गया है। और अब देखना ये है कि क्या ये स्कूल वाकई में बंद होता है, क्या ये जो प्राइवेट स्कूल्स है इनकी मनमानी चलेगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने मैनेजमेंट से भी बात करना चाहा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैनेजमेंट का कोई आदमी है नहीं और कोई टीचर्स है वो भी यहाँ पे बात करने के लिए तैयार नहीं है उसके। लेकिन हमने पेरेंट्स से बात की, देखते हैं क्या है सारा मामला। बताएंगे क्या मामला है आप लोग आज? हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर हमें चिंता है। हमारे आज यहाँ पे सारे पेरेंट्स हम लोग जमा हुए हैं भिवंडी में। ये द पॉलीमैथ स्कूल करके है, इस स्कूल में हमारे 200 से 250 बच्चे पढ़ते हैं और ये स्कूल ने अचानक से इस साल स्कूल बंद कर दिया है। इनका स्कूल बंद हो रहा है और इन्होंने कोई भी हमको लीगल नोटिस नहीं दिया है, अचानक से बोला है कि स्कूल बंद हो रहा है, आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लो। जबकि हाईकोर्ट ने कहा हुआ है कि कोई भी स्कूल बंद करना है तो 18 महीने का नोटिस पीरियड पेरेंट्स को देना पड़ता है, ताकि हम लोग हमारा रहने का ठिकाना है या बच्चों को कुछ अलग करना है। इससे हमारे ऊपर और बच्चों के ऊपर बहुत मेंटली प्रेशर हो रहा है और उनका एजुकेशन में बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। अभी इनके टीचर्स भी यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, बहुत कम टीचर है और बच्चों के एग्ज़ाम चल रही है और ऐसे हालत में हमको मजबूरन अभी इनकी जो कंप्लेंट है वो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कर दी है। और अभी हमको ये गवर्नमेंट से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से आशा है कि हमें यहाँ पे न्याय मिलेगा और ये स्कूल इन्होंने चालू रखना चाहिए, हमें 18 महीने की नोटिस पीरियड देना चाहिए। जबकि इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया तो अभी हमको मजबूरन लीगल एक्शन में जाना पड़ेगा। स्कूल तो अच्छी है लेकिन ये इनके फायदे के लिए इनको ये रिजर्वेशन जगह में कुछ कन्वर्जेशन करके यहाँ पे कुछ फायदे के लिए कुछ अलग प्रोजेक्ट बनाना है, इसके लिए अचानक से ये लोग स्कूल बंद कर रहे हैं। क्या कारण बताया बंद करने का? स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हम लोग फाइनेंशियल लॉस में है, जबकि हमारी 1 से 1.5 लाख रुपए यहाँ पे फीस है हर बच्चे की और 250 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारी स्कूल जो है लॉस में चल रही है, और अगर लॉस में चल रही है तो इनका कानूनन फर्ज बनता है कि ये जो संस्था होती है ये नॉन प्रॉफिटेबल रहती है, ये एजुकेशन संस्था है। तो जब ये नॉन प्रॉफिटेबल है तो इनका प्रॉफिट और लॉस का कोई सवाल नहीं आता, लेकिन ये पेरेंट्स लोग को गुमराह कर रहे हैं मीठी मीठी बात करके। बच्चों का एडमिशन डायरेक्टली अलग स्कूल के लोगों को यहाँ पे बुला के बच्चों को अलग स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हैं और मतलब ये सेफली एक अफेंस करके सेफली बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो इसलिए हम लोग लीगल एक्शन में जा रहे हैं। जब आप लोगों ने बात किया, इन्होंने जब नोटिस दिया आपको, तो क्या आश्वासन दिया स्कूल ने? कोई नोटिस नहीं दिया सर, इन्होंने आज तक कोई नोटिस ही नहीं दिया। ये बिना मैटर बताया ही मीटिंग रख दी और फिर कोई नोटिस नहीं दिया। हम लोग को एक मैसेज आया था कि आज स्कूल में मीटिंग है अर्जेंट और सबको आना है। हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ मालूम पड़ा कि 2 स्कूल वाले को पहले से इन्होंने बुला के रखा था प्रेजेंटेशन के लिए, जो अभी नई स्कूल एक युवा खुली है और एक बॉम्बे कैम्ब्रिज करके स्कूल है मंजू फाटा में, उनको बुला के रखा था और इन लोग बोला कि यह 2 स्कूल है, इनमें आप लोग जो एडमिशन लेना चाहे जो एडमिशन ले लीजिए, आप लोग को यहाँ एडमिशन मिल जाएगी और हम ये सीट अभी खाली है, हमने बात किया और हम हमारा स्कूल बंद कर रहे हैं। मैं बोला हमको कहाँ एडमिशन लेना हो, हम देखेंगे, आप स्कूल क्यों बंद करो? अचानक बता रहे हो मार्च 6 तारीख को बता रहे स्कूल बंद है, फरवरी 28 तारीख को आपने मैसेज डाला है कि फी वगैरह के बारे में कि देना है जल्दी से जल्दी देवे, हमेशा लेट नहीं करे, जिसको LC चाहिए इनको यहाँ से निकलना है वो 28 तारीख तक अप्लीकेशन दे दो और 5 तारीख को सीधा बंद करना है।
तो हमें तो टाइम चाहिए था। और रीजन बताओ आपको क्या है, फिर रीजन, फिर इन्होंने मीटिंग रख के रीजन हम लोग को ये बताया कि फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल लॉस के बारे में हमने बोला ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तब उसको निदान बताइए क्या फी बढ़ाई है। फिर कैलकुलेशन किया, कुछ पेरेंट्स लोग के साथ मिलकर डिस्कस करके कुछ फी वगैरह इंक्रीमेंट किए बताए। इन बोले कि 200 स्टूडेंट है, सबके सब ये फी बढ़े हुए फी में रहना चाहेंगे तो हमें चलाएंगे, हम नहीं तो हम नहीं चलाएंगे। हम बोले हम तो 200 की गारंटी नहीं लेते, हम लोग जो देंगे उनको रखिए, बाकी नहीं आएंगे तो एडमिशन ढूंढिए हम लोग। फिर इन्होंने एक दिन का टाइम दिया कि 50,000 का चेक सब लोग दोगे, आज एक दिन का टाइम है तो हम लोग स्कूल आगे सोचेंगे, नहीं तो नहीं। फिर हमने 50,000 का चेक भी लाके सडनली सब लोग जो यहाँ थे अवेलेबल भाग भाग के दिए। 77 लोगों का इन लोगों को चेक आया, 77 लोगों का जमा हुआ। और नेक्स्ट डे फिर इन्होंने बोला कि 77 लोगों का ही चेक जमा हुआ है मेरे पास 50,000 का, और इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं, हम नहीं चालू करेंगे। तब हम लोग यहाँ बात करने का, फीस बढ़ाने के बाद में भी बढ़ाने के बाद भी इन्होंने हम लोगों को ये बोला कि हमको 200 के 200 स्टूडेंट का पैसा आना चाहिए, सबके रहने चाहिए। अब जिनको नहीं पड़ेगा या जिनको ऑलरेडी बाहर जाना तो जान वो जाएंगे ही। अब हमारे पास समस्या है कि यहाँ आईजी बोर्ड का स्कूल कोई नियर नहीं है। अब इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, इनके एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो बहुत बड़े कि हम लाइफ चेंजिंग स्कूल है, नए प्रोजेक्ट लाए हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका ये है, घूम घूम के एडवर्टाइज किए चारों भिवंडी में। वो सब देख के सब जगह से पेरेंट्स यहाँ आए कि चलो अच्छा स्कूल है, अच्छा एजुकेशन मिलेगा हमारे बच्चों को, फी भी ज़्यादा देने को तैयार थे। साइड में स्कूल है तो भी आए, पहले बच्चे भी नहीं थे ज़्यादा और टीचर भी नहीं थे, फिर भी हम लोग रह रहे हैं कि अच्छे स्कूल है, अच्छे पढ़ाए। अब आईजी बोर्ड का स्कूल कोई नियर बाई है नहीं, अब या तो उड़ी जाओ या प्रेसिडेंसी उतना दूर जाओ। हम लोग को सडनली अब इतना दूर बच्चों को भेजना, सारा अरेंजमेंट करना, घर का अरेंजमेंट, लाने जाने का अरेंजमेंट, वो सब बहुत टफ हो रहा है। उनको रिक्वेस्ट भी किया कि आप वन ईयर चलाइए, तो वन ईयर भी चलाने को लोग तैयार नहीं है। यहाँ पर कितने पेरेंट्स आपके साथ में है? सब साथ में ही है। अब जिन्होंने बहुत लोगों ने जब स्कूल ने डिसीजन दे ही दिया तो बहुत लोग अपने बिजनेस अपने काम धंधे वाले आदमी जिनको फुर्सत बिल्कुल नहीं है, नौकरी वाले हैं, तो लोग अपना दूसरे जगह एडमिशन ले लिए, बहुत लोग ने भी एडमिशन लिए। स्कूल के इस फैसले से आप पर और बच्चों पर किस तरह का असर हुआ? हम लोग तो मेंटली डिस्टर्ब है कि काम वगैरह हो ही नहीं पाता, दिन भर यही चक्कर चलता रहता है कि कहाँ एडमिशन कराए और कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कि यहाँ पढ़ाएंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आता है। सुबह से शाम तक यही सोचने में लगे रहते हैं कि क्या करेगा। लीगल एक्शन में हमने एक नोटिस बनाई, जब पहले स्कूल से बात किया फिर नहीं हुआ तो हमने एडवोकेट से मिलकर एक नोटिस बनाया है। नोटिस में जो लिख लिया जो गवर्नमेंट का एक्ट है उसके हिसाब से सब नोटिस में सब नोट डाउन है, वो आपको कॉपी आपको एक दे दिया जाएगा। हमने स्कूल को भी दिया है, उसका भी रिसीविंग हमारे पास है, आयुक्त को भी दिया है हमने, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी दिया है, तहसील में भी दिया है हमने, पुलिस में भी दिया है हमने, हर पुलिस में भी एक दिया। अभी मांग हमारा यही है कि स्कूल ये चालू रहना चाहिए, वन ईयर के लिए कम से कम इनको बंद करना है, तो जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके हिसाब से बंद करें, हमें भी वन ईयर का टाइम देवे, हम बच्चे को भी मेंटली प्रिपेयर कर सके कि स्कूल से अच्छा कोई दूसरा स्कूल है हम वहाँ तुमको भेज रहे हैं, ऐसा बता के। अभी डायरेक्ट बच्चों को ये हो रहा है कि स्कूल में ही बता दिया गया कि स्कूल बंद है, अब अगली बार तुम नहीं आओगे, आज तुम्हारा लास्ट डे है। अब बच्चे भी घर पर जाकर रोना चालू करते हैं, जब से बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पर डाले हुए भी हैं कि आपको लॉस हो रहा है सर, तो हमारा फ्लैट बेच के ले लो, हमारा घर ले लो, हमारा गुल्लक का पैसा ले लो, ऐसे भी पोस्ट है जो स्कूल वाले ने खुद ही हम लोग को मीटिंग में बताया, कुछ बच्चे ने ऐसा डाला है। तो बच्चे पूरा मानसिक डिस्टर्ब हो रहे हैं, और बच्चों के साथ यदि ऐसा होगा, बच्चे यदि हमारा किसी का भी परेशान होंगे या मानसिक संतुलन बिगड़ेगा तो फिर पेरेंट्स लोग तो सही से, हम लोग तो चुप से नहीं बैठ पाएंगे। अभी तक हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इनसे बात कर रहे थे, लेकिन अब आगे हम जो भी लीगल एक्शन, जो भी सिस्टमेटिक तरीका होता है, वो सब ने हमने अपना लिया। अब फिर भी गवर्नमेंट या प्रशासन या फिर स्कूल प्रशासन नहीं हेल्प करेगी तो हम लोग कोई और तरीका अपनाएंगे हमारे बच्चों के लिए। ठीक, क्या नाम है आपका? रंजन गुप्ता। गुप्ता जी, यहाँ पे फीस कितनी थी साल की? फीस 84 था, 84,000 था साल का। तो सब पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि स्कूल लॉस हो रहा है तो 10% 20% हम लोग बढ़ा देते हैं, जो भी 1,25,000 तक 1,20,000 तक कर देते हैं। फिर भी हम लोग चेक भी जमा किए 74 लोग 50,000 का, तो भी ये लोग एग्री नहीं हुए। तो मतलब 80,000 से डायरेक्ट 50,000 और बढ़ा दिए? हाँ, बढ़ा दिए, तो भी हम लोग एग्री थे। अच्छा, तो भी हाँ, एक साल बढ़ाएंगे तो भी चालू करने के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं स्कूल वाले। बिल्कुल सर, बताएंगे कुछ आपके जो पेरेंट्स हैं स्कूल के, वो पॉलीमैथ स्कूल के पर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि स्कूल बंद हो रहा है और पेरेंट्स को उन्होंने प्रायर टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया, तो इस बारे में क्या सच्चाई है? देखिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा तो पहले मैं आपको ये परिस्थिति क्यों निर्माण हुई उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि पॉलीमेथ स्कूल 2017 में शुरू की गई है, भिवंडी की, मैं तो ये कहूँगा कि मुंबई की फर्स्ट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्कूल होगी, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जा रहा था। प्रैक्टिकली उनको बच्चों को कैसे समझ में आए वो हम करवाते थे। जब हमने स्कूल शुरू की थी तब हमारा प्लान था कि हम अच्छे से अच्छा एजुकेशन बच्चों को रिजनेबल फीस में दे पाएँ,
और उसके लिए जो स्कूल का स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट का प्रोजेक्शन किया गया था स्कूल स्टार्ट करते वक्त, वो था 1200 से 1800 स्टूडेंट। उस वक्त हमें ये लगा था कि अच्छा एजुकेशन, अच्छे टीचर्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बच्चों को देंगे तो अच्छे, तो भिवंडी में हमें अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे करके। लेकिन प्रैक्टिकल फैक्ट ये है कि 2017 से लेकर अभी 2024 तक पॉलीमैथ में कुल मिला के बच्चों, स्टूडेंट्स के नंबर हैं 240। तो इतने कम नंबर में इस तरीके का एजुकेशन देना बहुत मुश्किल रहा है। मैनेजमेंट ने 8 साल बहुत कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस तरीके का एजुकेशन दें, अच्छे से अच्छे टीचर लाएं, और पर वो प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। पेरेंट्स ने ये आरोप लगाया है कि स्कूल जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है, तो बोले कि फिर अभी स्कूल वाले ये हवाला दे रहे हैं कि हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारे पास में पैसे नहीं आ रहे स्कूल रन करने के लिए, तो बोले कि वो लोग अपने पॉकेट से क्यों नहीं कर रहे, मतलब इस तरह का आरोप लगाया है पेरेंट्स ने। हाँ, ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। देखिए, स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही चलता है, वो ट्रस्ट के अंडर में होता है, पर यहाँ पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परेशानी ये है कि लॉसेस हो रहे हैं। अभी जो लॉसेस होते हैं वो लॉस का जो गैप है वो कहाँ से आएगा? तो वो जो ट्रस्ट होता है वो फंड करता है, जिसको बाहर से फंड मिलता है और वो फंड स्कूल में वो अलोकेट करते हैं। अब अगर समझिए वो बाहर से पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर स्कूल को फंड कहाँ से मिलेगा, टीचर्स की सैलरीज कहाँ से आएंगी? तो वो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी 8 साल तक मैनेजमेंट ने लाखों में जो है वो फंड किया हुआ है स्कूल को, और अब ऐसा हो रहा है कि वो फंड अरेंज करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तब जाकर हमने ये चीज़ पेरेंट्स के साथ डिस्कस की, हमने अनाउंस नहीं कर दी थी पैसा। उनका कहना है कि मतलब अगर स्कूल का, मतलब अगर आप गवर्नमेंट के गाइडलाइन से अगर आप जाते हैं तो स्कूल को डेढ़ साल पहले, 18 महीने पहले बोलना पड़ता है कि हम बंद करने वाले हैं, और आपने ऑल ऑफ सडन बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी रिक्वायर्ड नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स हम फॉलो करेंगे, और उसको हम कहीं पे भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल चैलेंज हैं वो भी सॉल्व करने ज़रूरी हैं। उसी के लिए हमने पेरेंट्स के साथ वार्तालाप शुरू किया था, और जो भी पेरेंट ने सजेशन दिए वो हमने इनकॉर्पोरेट करने की भी कोशिश की थी, पर फिर ओवरऑल वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसीलिए काफ़ी हमारे 95% पेरेंट वो यहाँ से मूव होके दूसरी स्कूल में गए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात भी समझने लायक ये है कि भिवंडी में पॉलीमैथ के आसपास जितनी भी दूसरी स्कूल्स हैं, जो अच्छी अच्छी स्कूल्स हैं, उन सभी में जो है एडमिशन मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा। इनफैक्ट हमारा भी सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि बच्चों का एजुकेशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हमने भी बच्चों को स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हमने आसपास की स्कूलों में बात की, वहाँ पर हमारे बच्चों को एडमिशन देंगे ये रिक्वेस्ट की उनको, और वो करने के बाद हमने बच्चों के ट्रांजिशन में भी हमने हेल्प की है, और हमारे 90-95% ट्रांसफ़र हो गए हैं बच्चे जी वैसे। और अभी जो रिमेनिंग पेरेंट हैं उनके साथ हम बात करेंगे। तो अभी स्टेटस क्या है, मतलब क्या स्कूल कितने दिनों में बंद होगी, या तो फिर किस तरह का भी स्टेटस, या तो फिर कुछ आपकी लीगलिटीज में चल रहा है क्या, किस कहां पे, मतलब कहां पे भी खड़े हैं आप? मतलब अभी ये डिपेंड करेगा कि ये पेरेंट्स के साथ जो हम बातचीत करेंगे, अभी हमें पता, अभी जो भी अभी जैसे मैंने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ पेरेंट ने नाराज़गी दिखाई है, तो उनके साथ भी बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात करेंगे, और फिर जो भी उनकी गाइडलाइंस रहेगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे।